दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी इंसानी दिमाग के परे है। इस विशालकाय ब्रह्मांड में कहीं रोशनी है तो कहीं घनघोर अंधेरा, कहीं करोड़ों डिग्री तक गर्म तो कहीं बेहद ठंडा, कहीं जीवन का अस्तित्व है तो कहीं जीवन तो क्या, समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा ब्रह्मांड दो तरह का होता है, एक दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड वो है जिसे हम देख सकते हैं, जिसमें हमारा सौर मंडल, गैलेक्सी, गति, समय और गुरुत्वाकर्षण शामिल है, जबकि अदृश्य ब्रह्मांड वो है जो दृश्य ब्रह्मांड के विस्तार से बाहर हो और उसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की ही बात करेंगे। जिस तरह धरती पर दूरी को किलोमीटर या मील में मापा जाता है, उसी तरह ब्रह्मांड में दूरी को प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को कहा जाता है। हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और उसके बाहर अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो आइए जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है। साल 1927 में बेल्जियम के साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेत्रे के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक विस्फोट से हुई थी और एक महाविस्फोट से ब्रह्मांड के पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे। शुरुआत में लेमेत्रे की इस थ्योरी का मजाक उड़ाया गया और इसका सबसे ज्यादा खंडन करने वाले थे फ्रेड होल, जिनकी थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जाते बल्कि उनके बीच नए पदार्थ प्रतिपादित होते हैं, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। उन्होंने फ्रेड होल मॉडल थ्योरी को प्रकाशित किया और लेमेत्रे की थ्योरी को बिग बैंग का आइडिया कहते हुए मजाक उड़ाया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, लेमेत्रे की थ्योरी ही सच साबित हुई और उनके विरोधी भी उनके फेवर में हो गए। 1965 में माइक्रोवेव बैकग्राउंड थ्योरी की खोज ने बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्यता सिद्धांत का दर्जा दिया। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु परमाणु एक दूसरे के इतने पास थे कि मानो वे सब एक छोटे से बिंदु में समा गए हों और वह बिंदु बेहद घना और अत्यंत गर्म रहा होगा। ये वो स्थिति है जहाँ फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता और ऐसी अवस्था में स्पेस और टाइम का भी कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन किसी अज्ञात कारण से एक महाविस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और ये फैलने लगा। इस महाविस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के इस विस्फोट के वक्त ब्रह्मांड का तापमान इतना ज्यादा था कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस महाविस्फोट के बाद एक माइक्रोसेकंड के अंदर ब्रह्मांड का तापमान बहुत तेजी से गिरा और एक माइक्रोसेकंड होते होते ब्रह्मांड 10,000 अरब तक फैल गया। ऐसी अवस्था में ब्रह्मांड के सभी कण प्लाज्मा स्टेट में थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड बढ़ता गया, उसका तापमान कम होता गया और ये प्रक्रिया बिग बैंग के बाद 3,80,000 सालों तक चलती रही और इस समय को डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड उस समय प्लाज्मा स्टेट में था और उस समय वहां कोई मॉलिक्यूल नहीं था। इस प्लाज्मा अवस्था में ही ब्रह्मांड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे और इनके मिलने के बाद ब्रह्मांड को अपना पहला मॉलिक्यूल मिला और वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम के मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हुए और ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला तारा मिला और इस तरह ब्रह्मांड में कई और तारे बनने लगे, जिससे ब्रह्मांड रोशन होने लगा और इसी तरह डार्क टाइम का भी अंत हुआ।
बिग बैंग के कॉस्मिक मैटर से मॉलिक्यूल्स बनते गए और इसी तरह ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह और अनेक आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ और इसी तरह निर्माण और प्रलय का ये सिलसिला लगभग 8 अरब सालों तक चलता रहा। और ऐसी ही घटना के चलते अभी से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। हमारा सूर्य कैसे बना, इस पर हम जल्द ही एक और वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। 4.5 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब धरती आज की तरह जीने लायक नहीं थी। उस समय धरती अपने एक्सिस के आसपास बहुत तेज गति से घूमती थी और दिन हुआ करता था केवल 8 घंटों का। पानी का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन हवा में भाप जरूर मौजूद थी और हाइड्रोजन जैसे कई एलिमेंट थे। समय के साथ साथ धरती ठंडी होने लगी और हवा में भाप होने के कारण बारिश भी होने लगी। लाखों सालों से हो रही इस प्रक्रिया से धरती पर समुन्दर, नदियां बनने लगी और 3.5 अरब साल पहले ही पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई, जिससे पृथ्वी को कोशीय जीव मिलने लगे, जिनका नाम अमीबा और पैरामीशियम है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कारण आगे चलकर धरती पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हुई, जिससे धरती पर जीवन की भरमार हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी की तरह और भी कई ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन किसी और रूप में सांस ले रहा हो। वहां के लोग या तो हमसे ताकतवर हो सकते हैं या फिर हमसे कमजोर। ब्रह्मांड में शुरुआत और अंत का ये सिलसिला चलता रहेगा। जो जन्मा है वह एक ना एक दिन नष्ट होगा। इसी तरह ब्रह्मांड में जन्मी हर एक चीज का अंत निश्चित है और खुद ब्रह्मांड का भी अंत निश्चित है। तो दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।